सामने बैठे थे और बुद्ध ने कहा, घर जब बुद्ध पहुंचे हैं, इला महाराज और घूंघट मर रहे, झाड़ू दे रहे, राजा आए और नेक देर में कहा बनवाई, अब विचार कर लो पुजारी जी का उतर, तुम ऐसे ही है जाओ मोजा जाए। अच्छा ध्यान रखना श्रोता बंधु, उस समय जब कहीं का कोई वशिष्ठ नाम के महात्मा आ गए, वे तुम्हें बुला रहा, तो आज जैसे ही गुरु का नाम सुनाए, हिम्मत बंद गई, हिम्मत बंद गई। और तब कहिए इला महाराज ने अपने पति से क्या बोले, ले चलियो पिया मोई द्वारे पेरे, ले रखना गुरुजी का नाम सुना, हिम्मत बंद गई कि परमात्मा मेरे गुरुदेवता आ गए तो कछु कछु है जा रहे हो, मुसीबत में थे। और जैसे ही घूंघट मार के आए, नारी तो बनी गई, देखा है बराबर आसन पर दोनों बैठे थे चंद्रमा और वशिष्ठ, तो आज परिक्रमा दे करके और गुरु के पैर छुए। जब दोनों पैर छुए गुरु के, तो महात्मा वशिष्ठ बोले, कौन है लड़की, कौन है ये पैर, कौन पकड़े बैठी है। सो इला महाराज ने एक लंगते ने पर्दा करके घूंघट खोलो, ए वशिष्ठ महात्मा ने की भगवान जी का
और जैसे घूंघट खोल के नजर करी गुरुजी पे तो गुरुजी ने जवाब दो है तो का बोले अरे किनपे भूपा लगाई लइए भगवान का अवगन हो गुरु जी में श्रृंगार करके नारी ना शरीर दौड़ा रही हूं एकदम वशिष्ठ महात्मा बोले तो बेटा तुम अंबिका वन में तो ना पहुंच गए गुरु जी हम शिकार करने बाई बनी में तो आए तो तू जानता नहीं उस पर में शिव जी ने सांप लगा दिया था कि जो नर आएगा वो नारी हो जाएगा पर बेटा चिंता मत करिए तू मेरा शिष्य है और मैं तेरा गुरु तो तू जो बीमारी लगी है ताको इलाज करवाएंगे दवाई करवाएंगे इलाज हाथ जोड़ के गुरु जी इलाज करवाओ सो तो बहुत बढ़िया पर मोती एक बना हुआ और है सुधार करते हो बोले बाबा ने कि बिल्कुल नहीं हमने तो एक ही बार कह दिया कि जो अम्मे का बन में नर आएगा वो नारी हो जाए पार्वती की मैया तुम ही कछु करो तो पार्वती ने कही कि सुनो वशिष्ठ मैं अपने पति की अर्धांगिनी हूं तो आधो काम तो कर सकते ये मैया आधो ही करते तो पार्वती आधो कर्म कौन सा बता रही है Yeah.
महीना नारी, फिर एक महीना नर और फिर एक महीना नारी। वशिष्ठ बोले मैया छह छह महीना है जा तो कहना सोना हर महीना बदले हो। बोतने गई जी बताओ अबे को रहे हो क्या चार महीना नारी रहेगी ले जाओ। तो बुद्ध संग ले गया एक महीने के समय के बाद जब इला महाराज नर बने तो अपने इलावर खंड को आए एक महीना मारे और फिर नारी बनी गए। फिर बुद्ध ले गया एक बार नर फिर बने फिर आए अपने घर रानी के पास ठहरे। तो जो महारानी थी इलावर खंड में उसके उदर में संतान इधर रही